रहस्य मैक्स में। इस चैनल पर हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी रोचक वीडियोस। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों बाद भी नहीं खोज पाए हैं। पिछले अनेक सालों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं भी गैस और तेल के अंश नहीं मिले। अब ONGC फिर से एक बार इस रहस्य को जानने के लिए कार्य शुरू कर रहा है। भूगर्भ से निकल रही है 9 ज्वालाओं की होती है पूजा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य। आइए जानते हैं ज्वाला देवी से जुड़ी ये रोचक बातें। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिला में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर को ज्योतावाली का मंदिर भी कहा जाता है। अकबर ने ज्योति को बुझाने के लिए खुदवा दी थी नहर। दोस्तों, इस जगह के बारे में कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी हुई है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने जब ज्वाला माई के बारे में सुना कि वहाँ पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जल रही है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगा कि तुम भक्तों का ख्याल रखने वाली माता ज्वाला देवी आखिर कौन है और तुम्हारी इबादत का क्या फायदा होगा? या तो देवी ही यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। उसने उनका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि घोड़े की गर्दन को काट देते हैं, अगर ज्वाला देवी दोबारा उसे जिंदा करवा दें तो इस प्रकार घोड़े की गर्दन दोबारा से जुड़ जाएगी। अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी, अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा। और इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 महीने की अवधि का समय मांगा और कहा कि घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में पहुंच गया। स्नान पूजन करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा और शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। ये सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी पूरी सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। तब उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने सवा मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छत्र कबूल नहीं किया। वो छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, बादशाह अकबर के बाद ONGC जुटी है रहस्य जानने में। भारत के आजाद होने के बाद इस मंदिर में ज्वाला निकलने के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किए। 1959 से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाला देवी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर इस कार्य में जुटी हुई है। ज्वाला देवी के टेढ़ा मंदिर में 1959 में पहली बार कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1965 में सुराणी में बग्गी, बड्डोल, घीड़ा, लंच, सुराणी व कालीधार के जंगलों में खुदाई की गई थी। पृथ्वी के गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकलना वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला, कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो पावर हाउस भी बना दिए गए हैं जिनसे बिजली उत्पादित की जाती है, लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लाख कोशिश पर भी वो इस ऊर्जा को नहीं ढूंढ पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा नहीं पाया। ये दोनों बातें ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारी रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। फ्रंटियर बेसिन देहरादून के महानिदेशक डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने ड्रिलिंग को
दो वर्षों की अनुमति प्रदान की है, जिससे प्रदेश में तेल और गैस की खोज के प्रयासों में और तेजी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ज्वाला देवी के पास सुरानी गांव में ड्रिलिंग की गई थी, जिसमें तेल और गैस के भंडार होने के आसार मिले हैं। जल्द ही आधुनिक उपकरणों के साथ एक बार फिर यहां संभावनाएं तलाशने पहुंच सकती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए रहस्य मैक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।